आप देख रहे हैं IBN9। मैं हूं देवेंद्र भावसार। चलते हैं आज की खबरों की ओर। आमिर खान द्वारा अभिनीत फिल्म पीके के खिलाफ इंदौर जिला कोर्ट में लगाया गया परिवाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। परिवाद में उक्त फिल्म से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट द्वारा उक्त परिवाद को खारिज करते हुए कहा गया है कि उक्त फिल्म सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई थी। इस फिल्म के सभी दृश्य काल्पनिक थे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि परिवादी द्वारा कोई ऐसे साक्ष्य नहीं पेश किए गए हैं कि इस फिल्म से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो। फिल्म सेंसर बोर्ड की वकील श्रीमती उमा सोनी ने बताया कि कोर्ट ने उक्त परिवाद को तथ्यहीन मानते हुए खारिज किया है। और दूसरा ये कि न्यायालय ने भी इसको वाच किया है और न्यायालय ने इसकी सीडी वगैरह को भी वाच किया हुआ है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी फिल्म को देखा हुआ है, तो ऐसा नहीं लगा है कि ये धर्म विरोधी है। ये मनोरंजन फिल्म रही है और मनोरंजन के हिसाब से उस सीन को पिक्चराइज करना जरूरी था, इसलिए ये पिक्चर को उन्होंने गलत नहीं माना। ये धर्म क्यों? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के MY अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मंदसौर में दरिंदगी का शिकार हुई 7 साल की बालिका के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही बच्ची के परिजनों से मुलाकात व चर्चा की। इसके पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर भी पहुंचे। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व श्री विजयवर्गीय की माताजी का देहावसान हुआ था। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। ये दरिंदगी करके मानवता को कलंकित किया है, जल्दी वो फांसी के फंदे पर पहुंचे, इसके लिए यहाँ जो औपचारिकताएं हैं वो पुलिस प्रशासन पूरा करेगा। हमारी कोशिश है कि बेटी स्वस्थ हो जाए, शायद बयान देने की स्थिति में है, और उसके बाद जल्दी चालान पेश करें और कोर्ट जल्दी उसको फांसी की सजा सुनाए। डिंडोरी में विकास खंड मेहदवानी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में स्कूली छात्र छात्राओं से ब्लड ग्रुप की जांच करने के लिए अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं से ब्लड ग्रुप जांच करने के नाम पर 50-50 रुपए की वसूली की जा रही है। दरअसल शाला और छात्रावासों में प्रवेश के नए नियम के मुताबिक सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों से ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट देना जरूरी है, लेकिन मेहदवानी क्षेत्र के जब कन्या छात्रावास की छात्राएं अपना ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट बनवाने मेहदवानी के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, तो वहां मौजूद डॉक्टर सतीश कुशवाहा ने स्कूली छात्रा से ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट देने के लिए 50-50 रुपए जमा करने का फरमान जारी कर दिया। कई छात्रों से पैसे ना मिलने के कारण ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की मनमानी से छात्र छात्राओं में आक्रोश है। इधर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सतीश कुशवाहा ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। 50 रुपए तुमसे बस लिए हैं कि सबसे? जी सबसे। हॉस्पिटल क्यों आए थे? मेडिकल बनवाने का पैसा मांगे हैं डॉक्टर लोग की नहीं मांगे? कितना पैसा? क्या नाम है आपका? अच्छा, मेडिकल खून चेकअप कल करवा लिए? कितना पैसा लिए हैं? काय का लिए हैं? 50 रुपए मेडिकल बनाने का। और पर्ची का? 10 रुपए लिए। मेडिकल बनवाने जा रहे हैं तो शायद उनसे सुनने को मिला है, बोल रही लड़कियां 50-50 रुपए दे रही है। कौन सी हॉस्पिटल? मैं दवाई। धर्म के कार्य में हमारा सहयोग किसी भी रूप में हो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि धर्म के कार्य में हम सहयोग कर पा रहे हैं। निश्चय ही मां नर्मदा और दादाजी की असीम कृपा है कि हम लगातार 44 अमावस्या से मां नर्मदा के तट पर विधायक आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में क्षेत्रवासियों के सहयोग से भंडारे का आयोजन करा रहे हैं। वहीं प्रति गुरुवार सतत 112 आयोजन संगीत में दादाजी नाम संकीर्तन का होना निश्चय ही हम सब पर भगवान की असीम कृपा है। चिरमिरी तहसील के पूर्व सेटअप की मंजूरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 2018-19 के अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सही ने दे दी। जल्द ही तहसील भवन गोदरी पारा में बनवाया जाएगा, यह जानकारी क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने दी। विधायक जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी घोषणा के अनुरूप चिरमिरी तहसील की सौगात क्षेत्रवासियों को 1 जुलाई से प्रदान की। विधानसभा के मानसून सत्र के अनुपूरक बजट में उन्होंने इसके पूर्व सेटअप की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें तहसीलदार नायब नाजिर सहायक ग्रेड 2, सहायक नायब नाजिर सहायक ग्रेड 3 आदि पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
जिला मुख्यालय आगरमालवा में गुरुवार को मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का दौरा रहा, जिसमें आगरमालवा की जनता एवं जनप्रतिनिधियों ने गृह मंत्री का स्वागत किया एवं विश्राम गृह आगर में उनसे मुलाकात की। गृह मंत्री ने बताया कि 14 जुलाई को उज्जैन से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश विकास के मामले में देश में नंबर 1 का राज्य होगा। मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर ले जाने के लिए, एक नए मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर सरकार बनाए, ये हमारा मिशन 2018 का संकल्प है। खातेगांव देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव नगर में नगर परिषद द्वारा नगर की सुंदरता को प्रमुखता देते हुए खातेगांव नगर के मध्य नगर का एकमात्र तालाब, जो विगत कई वर्षों से अपनी बदहाली पर स्वयं आंसू बहा रहा था, खातेगांव नगर परिषद अध्यक्ष नीलेश जोशी द्वारा उक्त तालाब सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। उस तालाब के अंदर मोटर बोट से जो है खातेगांव के नागरिक उसमें मोटर बोट का लुत्फ उठा सकेंगे। लोग वहाँ पर जो हम तालाब के किनारे वृक्षारोपण करके घूमने के लिए जो पथ बना रहे हैं उस पर लोग घूमेंगे, वहाँ पर एक बहुत अच्छा गार्डन डेवलप करेंगे, जिससे कि लोगों को न केवल शुद्ध हवा मिले बल्कि पर्यावरण में भी सुधार हो। डिंडोरी के शहपुरा थाना क्षेत्र में अमठेरा गांव के पास घाट के एक खतरनाक मोड़ पर एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी बस जबलपुर से डिंडोरी अमरकंटक की ओर जा रही थी, तभी अमठेरा घाट पर बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस अनियंत्रित हो गई। वहीं चालक ने सूझबूझ से बस को सड़क के किनारे बनी गहरी नाली में उतार दिया, जिससे बस नाली में फंस गई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे में लगभग 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची शहपुरा पुलिस ने 108 एम्बुलेंस और डायल 100 की मदद से सभी घायलों को शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनजीटी द्वारा नदी नाले में होने वाली रेती बजरी के उत्खनन एवं परिवहन पर 20 जून से 1 अक्टूबर तक रोक लगाई जाती है, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा खनिज विभाग सहित सभी तहसीलदारों को इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। इसके बावजूद भी जिला खनिज विभाग एवं हंडिया तहसील कार्यालय की लापरवाही के परिणाम स्वरूप भमोरी, मनोहरपुरा, सुरजना, गोला, सिंगोन, मेदा, नर्मदा घाटों पर रेत माफिया अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। एक ओर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक शासन की योजना को पलीता लगाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला प्राथमिक शाला सुरजना में देखने को आया, जब दोपहर 11 बजे तक दोनों ही शालाओं में ताला नजर आया। वह छात्र छात्राएं शाला प्रांगण में घूमते नजर आए। छात्रों ने बताया कि शिक्षक बाहर से आना जाना करते हैं, जिसके चलते आए दिन कक्षाएं 12 बजे तक लग पाती हैं। मामा के राज्य में मध्य प्रदेश में उनकी भांजियां कितनी असुरक्षित हैं, इसका ताजा उदाहरण प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देखने को मिला। दरअसल इंदौर छेड़खानी की एक घटना सामने आई, जिससे तंग होकर एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना द्वारकापुरी थाना क्षेत्र प्रजापत नगर की है, जहां एक मनचले की छेड़खानी से तंग आकर 16 वर्षीय नाबालिग ने फांसी लगा ली। मृतक नाबालिग युवती से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। आत्महत्या के बाद युवती के परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर आज सुबह द्वारकापुरी चौराहे पर चक्का जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। द्वारकापुरी के प्रजापत नगर का मामला है, और गायत्री नाम की लड़की है, उम्र 16 साल जिसकी, उसने किसी लड़के से परेशान होकर के व्हाट्सएप पर फेसबुक पर उसको फोटो डाल दिए थे, इस कारण उसने आत्महत्या की। परिजनों का कहना है कि थाने में उसकी शिकायत करने भी आए थे तो पुलिस ने सुनवाई नहीं की। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, उनका थाने का आवेदन क्या नाम था बच्ची का? गायत्री। पढ़ती थी? 12वीं। 12 पढ़ी। क्या नाम था उस लड़के का? मिलन गर्ग। मिलन गर्ग। वर्ष में एक बार 45 से 60 दिन के लिए खुलने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर भक्तों में जहां बाबा बर्फानी के दर्शन के प्रति उत्साह रहता है, वहीं कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकवादियों का खतरा भी बना रहता है। इस बार यात्रा में भारी सुरक्षा इंतजाम लगाया गया है, परंतु यात्रा में प्राकृतिक बाधा में रुकावट बढ़ गई है। आज सहित विगत 3 दिनों से यात्रा बंद पड़ी हुई है। कारण है भारी बारिश की वजह से जमीनी यानी पहाड़ी का धस जाना बताया जा रहा है। बाबा अमरनाथ गुफा के रास्ते पर बरारी और दोमेल टॉप के बीच बड़ी पहाड़ी धस जाने से रास्ता अवरुद्ध है, जिसकी वजह से पहलगाम के रास्ते से जाने वाले यात्रियों को शेषनाग से ही वापस लौटा दिया गया है और बालटाल का रास्ता भी पूर्णतः बंद रखा गया है।
नेपा नगर के ऑडिटोरियम हॉल में वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नेपा नगर विधायक मंजू दादू और नपा अध्यक्ष राजेश चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान 1700 तेंदुपत्ता हितग्राहियों को सम्मानित किया गया। वहीं नेपा विधायक ने संग्राहकों को बोनस के रूप में 26 लाख रुपए के चेक वितरित किए। और अपनी साड़ी और महिलाओं के लिए चप्पल और पुरुषों के लिए जूते, तो उनकी ये जो मुख्यमंत्री जी की योजना है वो सराहनीय योजना है। इस योजना में अभी हम लोगों ने लगभग 1738 संग्राहकों की संख्या नोट की है। और आज के कार्यक्रम में मंजू दीदी, हमारी जो विधायिका है श्री मंजू दादू जी, उनके द्वारा इसका शुभारम्भ किया। लगभग 170 लोगों को